मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर में लगातार कोविड प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार रोजाना दिन के 20 घंटे कोविड के मरीजों को इलाज से संबंधित हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज जिला कार्यालय मुखर्जी भवन पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे और कई विषयों पर कोविड महामारी की रोकथाम और सार्थक प्रयास किए जाए इस विषय पर बैठक हुई। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माकिजानी और मंडल अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। हुआ है बड़ा दुखद घटना है और जो मृतक लोग हैं उनको भी हम शासन स्तर पर भी जो मदद बन सकती है वो करेंगे और हमारा प्रशासन वहाँ पूरा पहुँचा था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।